हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज का वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है एम्पलीफायर का हीट सिंक। इस सब्जेक्ट को हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं, हीट सिंक के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है हीट सिंक की कमी के वजह से एम्पलीफायर ज़्यादा हीट होता है और ख़राब भी हो जाता है। इसलिए हीट सिंक को हम सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के हिसाब से लेना चाहिए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से हीट सिंक को लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पर हम यही चर्चा करेंगे कि किसी भी एम्पलीफायर का हीट सिंक कैसा होना चाहिए और किस तरह से आप एम्पलीफायर का जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए आज का वीडियो को देखिएगा, बहुत ही नॉलेज मिलने वाले हैं आपको एम्पलीफायर के लाइफ और हीट सिंक के बारे में। और जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पर नया आया है, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा इस चैनल पर मैं साउंड सिस्टम रिलेटेड, जैसे मानिए एम्पलीफायर, स्पीकर बॉक्स, वूफर, सबवूफर, क्रॉसओवर नेटवर्क, ये सब सब्जेक्ट पर ही मेरा चैनल पे वीडियो बहुत ज़्यादा आता है। और इसके साथ साथ मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज भी मेरा इस चैनल पे शेयर करता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही नॉलेज हासिल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल पे 25K सब्सक्राइबर कंप्लीट भी होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक 4440 IC एम्पलीफायर का हीट सिंक है और यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो हीट सिंक दिया जाता है, देखिए बहुत ही पतली और हल्की सी है। और ये हीट सिंक के ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा हीट सिंक ऐड कर दिया हूँ, जिससे ये जो 2440 IC है ये कभी भी हीट नहीं होगा। और आप सबको भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। मार्केट से आप जो भी एम्पलीफायर खरीदें, प्राइस कम करने के चक्कर में कंपनी हीट सिंक के साथ कंप्रोमाइज़ कर देते हैं और पतली और कम प्राइस वाला हीट सिंक यूज कर देते हैं। तो इसलिए आप किसी भी एम्पलीफायर पे जब भी हीट सिंक लगाइए, तो एक मोटे गेज का हीट सिंक उसके साथ ऐड कर दीजिएगा। इससे आपका एम्पलीफायर का जो IC हो, ट्रांजिस्टर हो, वो आपका लाइफ को इनक्रीज़ कर देगा। और हीट सिंक के साथ साथ आप हीट सिंक कंपाउंड भी ज़रूर लगाइए। एक जेली टाइप का आता है मार्केट में, आप हीट सिंक कंपाउंड बोलेंगे तो आपको वो दे देगा। तो वो आप लगा देंगे IC या ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये 2N3055 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हीट सिंक है और यहाँ पे 8 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो 8 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हीट सिंक जो यूज किया गया है ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है एक 3055 एम्पलीफायर के लिए। और दोस्तों ये एक 100 वाट का एक एम्पलीफायर है और 100 वाट का एम्पलीफायर पे जो 3055 ट्रांजिस्टर होता है, उसका जो हीट है, उस हीट को ऑब्जर्व करने के लिए इस टाइप का छोटी सी हीट सिंक काफ़ी नहीं है। दोस्तों आपने ज़रूर एक सब्जेक्ट महसूस किया होगा, जो मार्केट में आउटडोर में यूज होने वाले 3055 ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर आते हैं, आपने देखा होगा उसका हीट सिंक कितना मोटे गेज का आता है और कितना हेवी आता है, तब जाके उसका जो लाइफ है उसको इंक्रीज करते हैं। लेकिन इस एम्पलीफायर पे देखिए, बहुत ही पतली और हल्की टाइप का हीट सिंक यूज किया गया है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा, जो भी एम्पलीफायर आपके पास है उसके साथ एक्स्ट्रा हीट सिंक आप स्क्रू से उसको टाइट करके एक एक्स्ट्रा उसके साथ ऐड कर भी सकते हैं, और चाहे तो आप उसका हीट सिंक को बिल्कुल चेंज करके मोटे गेज का नया हीट सिंक उस पर लगा सकते हैं। इससे आपका ट्रांजिस्टर कभी भी हीट नहीं होगा और उसका लाइफ को इंक्रीज करेगा। दोस्तों ये 3055 का एम्पलीफायर को मैं एक बार आउटडोर में यूज करने के लिए थोड़ा टाइम यूज किया था। दोस्तों देखिए, 1-2 घंटा तो ठीक है, उसके बाद एम्पलीफायर हीट करने लग रहा है और मानो ऐसा लग रहा था कि एम्पलीफायर का जो ट्रांजिस्टर है वो उड़ने वाला है, क्योंकि हीट सिंक की कमी के वजह से। इसलिए ऑल टाइम एम्पलीफायर के साथ हीट सिंक हैवी होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो 2SC5200 का ये किट है, इस एम्पलीफायर को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। हर ट्रांजिस्टर के साथ एक हीट सिंक यूज किया गया और ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रखा गया है इस सर्किट बोर्ड में। और इस सर्किट बोर्ड का जो हीट सिंक है,
तो देखिए हीट सिंक काफ़ी हेवी है, तो इस टाइप का हीट सिंक अगर आप यूज करेंगे तो आपका ट्रांजिस्टर कभी भी हीट नहीं होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग करता रहेगा। और ऑल टाइम दोस्तों हम सबको ये कोशिश करना चाहिए हीट सिंक को एम्पलीफायर के जो चेसिस है यानी कैबिनेट के साथ स्क्रू से अगर लगाया जाए तो ट्रांजिस्टर का जो हीट है वो हीट फास्ट टाइम ट्रांजिस्टर का साथ जो अटैच हुआ हीट सिंक होता है उस पर जाता है, फिर वो हीट को ऑब्जर्व करता है, फिर अगर वो कैबिनेट के साथ अटैच हुआ तो वो कैबिनेट यानी मेटल सीट का जो चेसिस होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है और इससे आपका एम्पलीफायर ख़राब होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों देखिए हीट सिंक मैंने पहले ही बताया हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अहमियत रखता है किसी भी एम्पलीफायर के लिए, लेकिन दोस्तों हम सब इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से दोस्तों हीट सिंक को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देना चाहिए और हर एम्पलीफायर के साथ, आपके पास जो भी एम्पलीफायर है, मेरे पास एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिर्फ तीनों एम्पलीफायर का किट है, लेकिन आपके पास जो भी एम्पलीफायर है आप अगर उसके साथ एक्स्ट्रा हीट सिंक ऐड करेंगे तो आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टे में आपको फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होगा और आपका एम्पलीफायर ख़राब होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों हीट सिंक एक्स्ट्रा ऐड करने से ट्रांजिस्टर या आईसी जितना कम हीट होगा उस ट्रांजिस्टर या आईसी का जो वर्क करने की जो पावर है वो ट्रांजिस्टर या आईसी प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों ट्रांजिस्टर या आईसी जितना हीट होगा उतना जल्दी से ही उसका जो टोटल वर्क करने की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और हीट हो जाने के वजह से वो आखिर में जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस यही तरीका है, आप किसी भी एम्पलीफायर के साथ जो भी हीट सिंक लगा हुआ है चाहे तो आप उसको चेंज कर दें या उसके साथ स्क्रू से आप एक्स्ट्रा हेवी गेज का एक और हीट सिंक ऐड कर दीजिए जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया हो। तो दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ किसी भी एम्पलीफायर के लिए हीट सिंक एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, हम सबको इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा अहमियत से देखना चाहिए और आपका जो भी एम्पलीफायर है उसके साथ एक अच्छे गेज का हेवी हीट सिंक लगाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा और इस टॉपिक पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे, जय हिंद।